मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ में स्वागत। बात चल रही है कि वो लोग जो किसी तरीके से आज के समय में COVID-19 को लेके परेशान हैं, कई कारण हैं, सिर्फ बीमारी ही नहीं या बीमारी का डर ही नहीं, या आज के समय में अगर आप इस ऐसे प्रोफेशन में हैं, किसी भी प्रोफेशन में जहाँ पे कि आपको ये चीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं, या आप आज वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो कई तरह के डर लोगों के मन में चलते हैं और साथ ही में जुड़े हैं डर कि फ्यूचर में क्या होगा। किसी ने जो काम कर रहा है, जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो पढ़ रहा है, जिसने सपने सजोए थे, या कई लोग जिनका कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके पढ़ने का है, या उनका वहाँ के साथ बिजनेसेस हैं, या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, या सेंसेक्स जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, या आज के समय में जितना आपको लगता था कि आने वाला समय ज़िंदगी सुखद होगी, वो लगता है कि आज ऐसा नहीं होगा, तो उन सब से कैसे अपने आप को प्रूफ किया जा सकता है, अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने आप को बदलती हुई सिचुएशंस में भी सशक्त किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। जो आज है वही सच्चाई है, जो अब है वही मेरे हाथ में है। सो प्रेजेंट इज द गिफ्ट दैट वर्ल्ड एंड लाइफ हैज़ गिवन टू मी। लेकिन इस प्रेजेंट को, इस गिफ्ट को हम फ्यूचर में या जो पास्ट में हमने नहीं किया उसकी वजह से खो देते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है अपने मन को सशक्त करने के लिए कि हम उसकी पावर को बढ़ाएं और उसमें जो जो चीज़ें उसे लीक होने दे रही हैं, जो जो हमारी एनर्जीज़ को पनपने नहीं दे रही हैं, और वो हैं हमारे विचार और समय के बारे में, और लोगों के बारे में, और लोगों के साथ के संबंधों के बारे में, उन सब को फुल स्टॉप लगाएं। देखिए, अगर हम कभी एक पैराग्राफ भी ले लें अपने कंप्यूटर पे या सेलफोन पे, कभी आप कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ के जो फुल स्टॉप्स हैं अगर हम उनको हटा दें और फिर कॉमास को हटा दें और फिर स्पेसेस को हटा दें, तो सिर्फ वर्ड्स रह जाएंगे जिनका किसी समय पर मीनिंग था लेकिन अब कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि कॉमास, स्पेसेस, फुल स्टॉप्स चले गए। इसी तरह हमारी सोच में भी, जब एक चीज़ पूरी होती है तो हम उसे फुल स्टॉप लगाते हैं और दूसरी चीज़ पर चले जाते हैं। वो लोग जो कि कंप्यूटर के साथ या सेलफोन के साथ या ज़िंदगी के साथ भी इस बात को समझते होंगे कि जब तक हम एक चीज़ को बंद नहीं करते, दूसरी चीज़ को नहीं खोल सकते, एक फाइल को क्लोज नहीं करते, नई फाइल को ओपन नहीं कर सकते, आपस में मिक्स हो जाती। तो उसी तरह से अब मैं, मुझे अगर अपने आप को सशक्त रखना है, विच इज़ कॉल्ड द हेयर एंड नाउ, मैं जहाँ हूँ और मैं जिस समय में हूँ, जो कर रहा हूँ उसमें सशक्त कैसे बनूँ, उसके लिए ये फुल स्टॉप लगाना अपने थॉट्स को और उन थॉट्स के साथ जुड़े इमोशंस को। कई बार लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जैसे जो जो उनके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं वो हो ही गए, जैसे वो सच्चाई हो गई। वहाँ पे हमें ज़िंदगी की एक बहुत और बड़ी सच्चाई समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड रियलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद हो जाए, शायद हो जाए मतलब शायद फ्यूचर में कोई ख़राब चीज़ हो जाए मेरी ज़िंदगी में, बहुत वेग है और इसके लिए मैं कोई एक्शन भी नहीं ले सकता हूँ। पॉसिबिलिटी है कि कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड थोड़ी बातें मन में आती हैं कि शायद ये ना हो जाए, शायद ये ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी जब तक वो चीज़ एक्चुअली होती नहीं है तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाते कि उसके लिए करना क्या है। तो हमारी शक्तियाँ उसके बारे में वेस्ट जाती हैं, रादर जितनी बार हम सोचते हैं और एक नए तरीके से सोच के उसके नए कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसकी वजह से हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब 50 पॉसिबिलिटीज़ निकल आई हैं, क्या करना है समझ ही नहीं आता। लेकिन जब कोई चीज़ होगी तो जिस रूप में होगी उसी रूप के अंदर मैं उसके साथ डील कर सकता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है
कि प्रोबेबिलिटीज़ को और पॉसिबिलिटीज़ को कम से कम करें, सिर्फ जो हो सकता है उसके बारे में कभी आंकलन करने की ज़रूरत है, और अगर कुछ होने के चांसेस बहुत हाई हैं तो क्या करना है इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जब तक वो रियलिटी ना हो तब तक हम उसके ऊपर एक्ट ना करें, पोस्टपोन कर दें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिन लोगों को मैं रोज़ डील करता हूँ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, उनकी यही आती है कि वो आज को खो देते हैं इसलिए क्योंकि वो कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आज की करने की चीज़ों को जो उनकी शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति उनकी क्षीण होती जाती है, और इसी कारण से हर रोज़ जब ये होता है तो आने वाले समय में जो फ्यूचर में अच्छी तरीके से वो किसी चीज़ के साथ डील भी कर पाते थे वो नहीं कर पाते, और फिर धीरे धीरे उनके मन में आशंकाएँ आनी शुरू हो जाती हैं, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, डर लगने शुरू हो जाते हैं ये सोचकर कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा, और क्योंकि वो एक्चुअली डील नहीं कर पाते हैं इसलिए उनका ये डर काफ़ी हद तक सच भी होता है। लेकिन अगर यो फालतू चीज़ें मैं कहूँगा या नकारात्मक चीज़ें हैं या वो चीज़ें जिनका आज से कोई मतलब नहीं है, उसको अगर रोक दिया जाए तो हमारे अंदर एक स्रोत है बहुत अपार शक्तियों का, हम में से हर किसी के पास। उसको कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं, कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम में से हर कोई जब भी चाहे उन शक्तियों का सहारा ले सकता है। उनको समझकर और उसको बढ़ाना कैसे है ये देखकर, और जब हम वो कर लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से डील कर सकते हैं, और परिस्थिति से ज़्यादा अपनी स्थिति से अगर वो डामाडोल हो रही हो। उसी के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के समय में ख़ासतौर पर आनी जो शुरू हो गई है वो ये है, क्योंकि हर समय हमको जो बदलती हुई स्थितियां हैं उनके साथ डील करना है, तो हमारा बहुत ज़्यादा समय जो है वो एक ही चीज़ के लिए बार बार डिसाइड करने में ना जाए, ये करूं या ये करूं। ख़ासतौर पे कुछ लोग जिनको कि ऑब्सेशंस की या कंपल्शंस की या ओसीडी नाम की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए एक भी डिसीजन लेना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किल है। और आज अगर उन्होंने कुछ प्लान किया और अचानक वो प्लान बदल गया, तो अब उस प्लान को कार्यान्वित करने के लिए उनको एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और ये जो एबिलिटी है द एबिलिटी टू चेंज क्विकली वो कई बार लोगों में बहुत मुश्किल होती है, और उसके लिए अगर इंसान ध्यान दे तो ये काम बहुत आसान हो सकता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच के कि अच्छा मेरा तो छोड़ो, लेकिन मेरों का क्या होगा, मेरे जो परिवार वाले हैं उनका क्या होगा, या मेरे काम का क्या होगा। देखिए, अगर आपकी अपनी मन की पावर्स अच्छी हैं तो तभी आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप ही शक्तियों से क्षीण हैं, अगर आप में ही वो कोई पावर्स नहीं हैं, तो आप दूसरों को भी कुछ नहीं दे सकते। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि दूसरों की मदद करने से पहले हम, और ख़ास तौर पे वो व्यक्ति जो कि ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं या घर का मुखिया है, या वो व्यक्ति जो कि और बहुत लोगों के साथ डील करते हैं, और कई बार वो लोग जो कि मीडिया में हैं, तो उनका एक एक शब्द जो है वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचता है। तो इसलिए हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, जो हमारी सोच है, वो जब दूसरों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो हमारे मन में चल रहा होता है वो पता लग जाता है। तो अगर हमारे मन में डर चल रहे हैं तो वो दूसरों को भी पता लग जाएंगे, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम कोशिश करें कि जब हम दूसरों के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो कम समय के लिए हो, लेकिन उसमें हमारी सारी पावर्स पूरी तरह से हो। और वहीं पे कुछ खास तरह की बातें जैसे कि एंगर, गुस्सा जल्दी आ जाना, इरिटेशन, या सम्मान की कमी, या दूसरों को कई बार क्योंकि आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे तो वो दूसरों को भी ऐसी बातें कह देना जिससे कि वो भी हर्ट होते हैं, क्योंकि आप अंदर से अच्छा नहीं महसूस कर रहे इसलिए आपके आसपास का माहौल भी जो है वो वैसा बन गया। तो उन चीज़ों से अपने आप को बचाना
बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो चीज़ें चल रही हैं और ख़ास तौर पे अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातों को, एक कोई भी खबर आई उसको 10 गुना ज़्यादा बड़ा करके हमने दूसरों तक कहा, और फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, या ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, इस चीज़ के बारे में लगातार बात होनी शुरू हो जाती है या करनी शुरू कर देते हैं लोग, तो फिर जो उस समय पे हमारी अपने मन को, अपनी भावनाओं को सशक्त करने की ताकत है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी हमें चेक एंड चेंज, हर समय आंकलन रखें, जो जो चीज़ हमें सही नहीं लग रही, जिससे कि मुझे कष्ट हो रहा है, जिससे भावनात्मक रूप से मैं परेशान महसूस कर रहा हूँ, या मेरे द्वारा दूसरों को कष्ट हो रहा है, उसको चेंज करें। और उसके लिए सुबह और शाम अगर 10-15 मिनट भी हम आंकलन करते हैं, शांति से बैठते हैं, थोड़ी अगर कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। उस दौरान में जब आप अपने आप साइलेंस में बैठकर अपने सारे दिन को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं बदल सकता हूँ, क्या क्या चीज़ों से मैं डर रहा हूँ, इसके बारे में सोचते हैं, तो फिर आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं और उनकी भी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को कम करने में सहायक बनते हैं।